हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी गोभी। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर या साइड डिश, आप कैसे भी सर्व करें, ये बहुत ही पनीर टिक्का से थोड़ा सा डिफरेंट और एक अच्छा यमी सा स्नैक तैयार हो जाता है। और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट फ्लेम पर भी भुना है, लेकिन देखते जाइए इस वीडियो को जानने के लिए कि एक्चुअली मैंने इसे एफर्टलेस तरीके से कैसे पकाया है। तो चलिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं गोभी को थोड़ा सा ब्लांच। ब्लांच करने के दो फायदे हैं, बेसिकली हम इसे बस बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और एक दो मिनट के बाद निकाल लेंगे। इसके दो फायदे हैं, एक तो गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरा, अगर गोभी में कहीं कोई छुपे हुए कीड़े हैं तो वो भी मर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इस बहुत सारे उबलते हुए पानी में और उसके बाद मैंने गोभी डाल दी है। बस इसे दो चार मिनट तक इस पानी के साथ बॉयल होने देंगे, दो चार भी नहीं, सिर्फ दो मिनट तक ही, क्योंकि बाद में भी हम इसे अच्छे से पकाने ही वाले हैं। और उसके बाद इसको स्ट्रेन कर पानी अलग कर देंगे, गोभी अलग कर देंगे और आगे की रेसिपी अब हम शुरू करते हैं। चलिए, मैरिनेशन में अब हम डालने वाले हैं बेसन, जिसको कि हमें अच्छे से भूनकर तैयार कर लेना है। तो ये दो टेबलस्पून बेसन को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से, जब तक कि ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा खुशबू भी देने लगे। बेसन का एक बढ़िया नटी सा फ्लेवर आने वाला है, लेकिन कच्चे बेसन का वही स्वाद खराब आता है, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइम देकर बढ़िया रोस्ट करिए। और रोस्ट करके निकाल लीजिए एक कटोरी में। और अब इसी पैन में हम गर्म कर लेते हैं अपना सरसों का तेल। सरसों का तेल हमेशा टिक्का डिशेज में ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि सरसों के तेल से एक बहुत अच्छा तीखा फ्लेवर ऐड हो जाता है और वही हमेशा मैं अपने सारे टिक्का डिशेज में डालती हूँ। थोड़ा सा इसको हम गर्म कर लेंगे ताकि इसका जो बहुत पंजेंट वाला टेस्ट है वो चला जाए, और उसके बाद हम इसे अपने मैरिनेशन में डालेंगे ठंडा होने के बाद। तो चलिए, अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, तो तैयार करते हैं अपना गोभी का मैरिनेशन। ये मैंने लिया है लगभग एक कप के करीब दही है, इसको मैं थोड़ा सा स्मूद आउट कर लेती हूँ। और उसके बाद ये मैंने लिए हैं बहुत सारे गार्लिक है और एक इंच का टुकड़ा अदरक का है। इनको बिल्कुल छोटा छोटा या तो चॉप कर लीजिए या पीस लीजिए, मैं चॉपर में चॉप करके इनको डाल रही हूँ। और अब इसको इसमें मिक्स करना है, और साथ ही मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून जीरा का पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर भी इसमें जाएगा, और साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक, और डालेंगे इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए, मैं कोई इसमें फूड कलरिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च से ही जो कलर आने वाला है वो आने वाला है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी नाम मात्र की हल्दी। और अब डालते हैं अपना भुना हुआ बेसन। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें कश्मीरी मिर्च का रंग अच्छा सा चाहिए। और ये 1.5 टीस्पून के लगभग है कसूरी मेथी, इसको दोनों हाथों से क्रश करके हम अपने मैरिनेशन में डाल देंगे। और अब इस सब मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और फाइनली फिर अब हम इसमें डालेंगे अपना ये जो हमने गर्म करके साथ में रखा हुआ है सरसों का तेल, और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह हमारा गोभी का बहुत बढ़िया सा मैरिनेशन बनकर तैयार है। गोभी हमने ब्लांच करके साइड में रखी ही हुई है, अब सारी की सारी गोभी को इसमें मिक्स करना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी विस्क को रख कर आते हैं, क्योंकि अब भाई अच्छे से हाथों से गोभी को इस मैरिनेशन में मसलना है, ताकि हर गोभी में मैरिनेशन अंदर तक चला जाए और फ्लेवर अच्छा आए। जब आपकी गोभी बनकर तैयार हो ना, तो उसमें अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए हमें ये काम हाथ से ही करना। अब गोभी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको ढक करके रखिए फ्रिज में मिनिमम एक घंटे के लिए। तो आपको रखना ही रखना है, एक से दो घंटे के लिए रखेंगे तो अच्छे से गोभी में खूब अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अब देखिए, मैं ये फ्रिज में रख कर निकाल चुकी हूँ, गोभी ने थोड़ा पानी भी अपना छोड़ दिया है, तो ये जो एक्सेस वाटर है ना, इसको तो हम कर देंगे डिस्कार्ड। और उसके बाद एक गर्म ओवन में हम अपने गोभी को बेक करने वाले हैं 220 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट तक के लिए। 22 से 25 मिनट में ये अच्छी गोल्डन हो जाएगी, उतना ही हम इसे बेक करेंगे।
और ओवन मेरा प्री हीटेड है 220 डिग्रीज पर। अब देखिए, अगर आप इसे ओवन में नहीं बनाना चाहते ना, तो आप इसे इस स्टेज पर एक पैन में भी भून सकते हैं। पैन में इसको भूनने के बाद हम इसे स्क्यूअर्स में लगाकर फ्लेम पर डायरेक्ट पकाएंगे, वो तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। तो ये वुडन स्क्यूअर्स हैं कुछ मेरे पास, ताकि ये फ्लेम में जाएँ सब जल ना जाएँ, इसके लिए इनको हम लगभग आधे घंटे, अच्छा रहेगा अगर हम इन्हें पहले ही पानी में भिगो कर छोड़ देंगे। और देखिए, गोभी अच्छे से बेक होकर आ चुकी है। अब इसके ठंडा होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी, इसको स्क्यूअर्स में लगाकर हम डायरेक्ट तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इन्हें फ्लेम पर जो है पकाएंगे। और स्क्यूअर्स में लगाते हुए आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप इसको स्टेम की साइड से स्क्यूअर में डालें, ताकि गोभी टूटे ना आपकी, पकाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह से मैं सारे के सारे स्क्यूअर्स अपने रेडी कर लेती हूँ। और अब मैंने लिया है ये 1 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर। अब इस बटर से हम सारी की सारी गोभी को अच्छे से ब्रश कर देंगे, क्योंकि अब जब ये स्मोक में जाएगा, फ्लेम में जाएगा, तो वो फ्लेम पकड़ेगा बटर और इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला है। चलिए अब पकाते हैं इसे डायरेक्ट अपनी गैस पर। बस ऐसे ही एक एक दो दो करके आप सारे के सारे स्क्यूअर्स को आप बाहर से जो है चार्ड इफेक्ट लाने के लिए बस गैस पर पकाते जाइए, और बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आएगा, एकदम तंदूरी फ्लेवर। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ओवन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक फ्राइंग पैन में सब्जी की तरह पकाइए, और उसके बाद लास्ट में इसे इस तरह से गैस पर स्मोक कर दीजिए। बिल्कुल आपकी ढाबा स्टाइल तंदूरी गोभी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, मैंने इसे सर्व किया थोड़े से अनियन रिंग्स के साथ, ऐसे पतले कटे हुए रिंग्स शेप के अनियंस के साथ, और साथ ही इनके ऊपर डालिए थोड़ा लेमन जूस और चाट मसाला। इसको खाने में बहुत मज़ा आता है, एक बार ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करिए। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।